और गबू को बहुत दिन से मुसीबत में नहीं डाले। अरे उन दोनों को मुसीबत में डालने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कौन सा आइडिया है? अरे अभी नहीं, सबके सामने। अभी एक सबसे जरूरी काम है, कल सुबह एक हम लोग चिट्ठी भेजेंगे। तुम्हारा चिट्ठी आया है, ये लो। चिट्ठी? लीजिए लीजिए। लो लो। अरे बापू बापू, ये तो एक नक्शा है। नक्शा? कैसा नक्शा है गब्बू? शायद लगता है ये गुप्त धन का नक्शा है। ये टेढ़ा मेढ़ा क्या लिखा है देखना। दरबारी ठाकुर के बगान में जो आम का पेड़ है, वहाँ से 10 कदम आगे जाने पे धन प्राप्त होगा। मेरा मन कह रहा है कि मेरा साथ कोई मजाक कर रहा है कि धन मिलेगा। मैं देखूंगा एक बार, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि कान से सुना हुआ बात और आंख से देखा हुआ बात सच होता है। मैं वही देखूंगा। अरे तो फिर चल, अभी चलकर हम लोग देखते हैं। अने कैसा लगा खेल? बहुत अच्छा। अरे वाह, तो वही ठाकुर का बगीचे का पेड़ है जो नक्शा में था। एक दो तीन चार आठ नौ दस। अरे ये क्या हो गया, हमको कहाँ फंस गए आकर यहाँ? बहुत पहले तुमको तो मैं बोला था कि हम दोनों साथ कोई मजाक किया, तुम बात मेरा नहीं माना। कैसे करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। हाँ बोल। अरे वो जल्दी केकड़ा पकड़ तो। अच्छा पकड़ रहे हैं। अरे वो दोनों आ रहा है इधर, चलो उससे मजा लेते हैं। हाँ चलो चल। अरे कैसा गुप्त धन मिला है जी? अरे यार कुछ नहीं मिला है यार, बस ये खाली मोहर मिला है। मोहर? अरे तुम दोनों, हम लोगों को भेजा था उल्लू बनाने के लिए, लेकिन देखो हम लोग कितना फायदा में हैं। अरे मेरा तैयारी किया हुआ नक्शा पे जो गुप्त धन मिला है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। ये तो मेरा है। अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो हारी वाला मोहर मेरा दे दो। अरे मैं तुम्हारा हानी दे दूंगा, पहले मोहर तो उझल लूं। ओए लड़का, तुझे रास्ते में चलने की कोई तमीज नहीं है क्या? चल मेरे साथ थाने, चल। मैं थाने में ही जा रहा था, जो गुप्त धन ये मिला है हानि में उसी को जमा करने के लिए थाने में ही। इस मटके में क्या है दिखाओ, दिखाओ मुझे दिखाओ। ये क्या, जो हानि में मोहर और साड़ी में केकड़ा? शैतान लड़के, मुझे केकड़ा से कटवाया? नहीं भागो, लड़का कहाँ भाग रहा है? भागो, जल्दी भागो, भागो। टब्बू जैसी करनी वैसी भरनी टब्बू।